क्या कर रही है? लस्सी बना रही हूँ। तो सारा दूध ये पी जाते हैं। इतना समझता है। वो ऐनक वाले जिन में जकूटा देखा था ना, जो कहता था मुझे काम बताओ मैं किसको खाऊं, ये छोटा जकूटा नहीं है, मुंह इधर करो। अच्छा अस्सलामुअलैकुम। मैं सुबह सुबह उठी हूँ, अभी तो मेरी आंखें भी पूरी नहीं खुल रही, हालत भी खराब है, नींद से सुस्ती चढ़ी है, लेकिन अब कोशिश करनी है कि सुबह सुबह उठे और फिर सारा दिन बंदा ना लेजी रहता है, तो आप लोग भी कोशिश किया करें सुबह सुबह उठने की। और वो देखो वो छोटे के हाथ में, ये छोटे हैं जनाब, ये सुबह सुबह उठते ही फ्रिज खोल लेते हैं कि कुछ खाने को मिले, कुछ ये केचप मिल जाए इनको, खास कर इस तरह की चीजें ना, मीठी कुछ वो फूंक लेते हैं। ये देखो ये सारों के मुंह देखे, बाल उड़े हुए सुबह सुबह सोते हो, अरे मुंह धोया तो नहीं? हमारी भी आवाज कितनी डिसेंट निकल, मुंह धोया? मुंह दिखा अपना मुंह, तो हाथ हटाया कर पता चले। अभी उसको लस्सी नहीं मिली ना फिल्टर में। अच्छा ये जो इतना बड़ा है ना, इसको देखना, ये जो जुरेज है जिस दिखाना, हाँ इसको तो, ये जितना बड़ा है, ये इतना बड़ा है अभी फीडर से लस्सी पीता है। चलो ये तो छोटा, और ये केचप का ढक्कन खोल के खड़ा है, कैप का है। तो ये हमारा दूध उबल चुका है, हाँ ये दूध, तो दूध वगैरह उबल गया है, अब नाश्ता बनाओगी? हाँ जी। तो ये अभी ये बर्तन में क्या कर रही हूँ? इसमें मक्खन लगा हुआ था थोड़ा सा, वो उतार रही हूँ, ये देखो। अच्छा अच्छा, जाया नहीं करना चाहिए ना चीजों को, तो इसलिए इतना मक्खन निकला है। हाँ, इसको मैं तो, ये पराठों के काम आ जाएगा ना, पराठों के काम आ जाएगा। फिर तो फ्रिज खोल के खड़ा है, बाजार के घी और ऑयल से बेहतर है कि ये मक्खन लगा लिया जाए पराठों पे, तो टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। ये मैंने धोया है। वैसे ये है तेरे पास एक और कटोरा भी मक्खन की पड़ी है, फ्रिज में आती थी, तो जी ये मेरा काम हो गया। ये क्या लड़ रहा है? धोने वाले बर्तन साइड पे लगाती हूं। क्या क्या ब्रेड ब्रेड निकालना है? नहीं नहीं कुछ नहीं निकालना। अच्छा चलो हटो, छोड़ो बस करो। मैं भी सुबह सुबह एक गिलास लस्सी गिलास में पीता हूँ, आप उसमें पानी डाल दें ताकि पतली हो जाए। ठंडा पानी डालेंगे? हाँ, ये पक्की लस्सी होती है हमारी, दूध होता है ना, दूध के एंड पे बलाई बच जाती है, मैं उसके अंदर एक कप दूध डाल के उस बलाई को रख देती हूँ, उसमें मैं थोड़ी सी लस्सी या दही डाल के सुबह फिर उसकी लस्सी बनाते हैं, मक्खन निकल आता है, फायदे हो जाते हैं मक्खन के भी, और लस्सी अच्छी होती है, बच्चे भी पी लेते हैं। हाँ तो आजकल गर्मी है क्योंकि हम ठंडा पानी डालते हैं, तो एक गिलास खाएं जो भी एक दे दें सुबह सुबह। मैं लस्सी का गिलास में पीता हूँ, वो छोटा रोता हुआ रहा, उसको क्यों रहा है? अच्छा दे दे उसको, अंडा दे दे ये अंडे लेके आए हैं जना मुर्गियों के उठा के, ये छोटा भी लेके आया, ये अंडे इनके पड़े हैं, रखो शेरी अंदर, रखो उठा के, तो ये अंडों पे लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें का सुधरेद नहीं करना, आप उसको दे दे। चलो वो अब अंडा खुद रखने के चक्कर में कि मैंने अंडा लेके आया हूँ तो मैं खुद रखूंगा। चलो ये होते बच्चे, हाथ धो आओ, चलो चलो दोनों हाथ धो के, हाँ जो हाथ धो के शहर जाके आ, ये तेरी लस्सी नहीं है, ये जुरेज की लस्सी है, जा मेरे हाथ हाथ से वो गट्टू पे अंडा फिसला, टूटा नहीं था, नहीं टूटा था। अच्छा तो मैं लस्सी पी लूँ थोड़ी सी, वो गिर भी रही है क्या? आज तेरे बाल काटने हैं, तेरे बाल भी काटने हैं, लस्सी जो होती है ना, लस्सी का अपना एक स्वाद होता है, हम देहातों में, हम तो बचपन से ये पीते आ रहे हैं,
मतलब सुबह सुबह लस्सी लाजमी पीनी है, लस्सी अगर नहीं है ना नाश्ते में तो समझो नाश्ता नहीं है। अगर हम शहर में भी जाए ना तो नाश्ते जहाँ से भी नाश्ते करते हैं कोशिश करते हैं हम जैसी भी मिल जाए कम अज़ कम लस्सी हमें ज़रूर मिल जाए, क्योंकि हम लस्सी के लोग ना बड़े आदी होते हैं। एक दफ़ा मैं ना मेरा पेपर था मुझे ना इन्होंने लस्सी पिला दी, वो दही वाली नहीं होती बुरे वाली लस्सी, जो मुझे नींद आई मेरा पेपर मुझे ये मारे खींचे वाइपर नहीं होता उससे मेरी इन्होंने ठगाई की, मेरे ऊपर पानी फेंका मैं फिर भी नहीं उठी और मुझे उससे ऐसा नशा चढ़ा और मैंने फर्स्ट टाइम पी थी। और बाकी कहते हैं कि ये दही और इस तरह ना ये थोड़ी सी ना हाँ ऊंग लाते हैं तो बड़ा मेरी बुरी हालत, मेरा अकाउंट का पेपर था ये भी बड़ी बुरा मेरा एक्सपीरियंस है लस्सी का। उसके बाद मैंने कोशिश की थी लस्सी ना पीऊं लेकिन ये वाली लेकिन हम पीते हैं हम हाँ। हमें तो आदत होती है इसकी ना हमें पीनी पड़ती है। ये वाली नहीं कुछ कहती ये हाँ ये पक्की लस्सी है ना हाँ। ये पक्की लस्सी ये कुछ नहीं कहती बाकी इसके वो सारे अभी ये नाश्ता क्या बनाती हैं तो आप बनाओ नाश्ता फिर नाश्ता करते हैं इंशाल्लाह। नाश्ते के बाद आज की वीडियो हम यही नाश्ते तक ही लगाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि घर में बैठ के यही कुछ कर सकते हैं बाहर तो अभी निकल नहीं सकता बंदा कि बंदा और कोई वीडियो बनाए तो अभी इसी पे इत्तफाक करना पड़ेगा फिर बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। ये मैं अब आपको दिखाऊं मेरे जो छोटे शहजादे हैं वो क्या कर रहे हैं, इस तरह पे बिस्तर लपेटे नहीं हैं उनके बैर बिस्तर पड़े हैं टीवी लाउंज में तो वो लस्सी पी रहा है बड़ा। चलो लेट के पियो ये देखो जी फिटर कहाँ दे रहा उसने भी फीडर छुपा लिया वो ना शर्म करता है कि छोटा उसको बहला रहा है कि किसी तरह ये फीडर मुझे मिल जाए उसको बहुत शौक है दूध पीने का और गप्पू 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 है हमारा। चलो वो बड़ा किस चीज से नाश्ता करना है, हाफ फ्राई अंडा या आलू वाला पराठा? हाफ फ्राई अंडा सोच लो। हां नहीं मैं तो हाफ फ्राई अंडा लूंगा, हमारे अंडे अपने होते हैं घर के तो जब घर के अंडे हैं देसी हैं अंडे नहीं देते मुर्गियां अंडे देती हैं ये भी बताओ ओए ओए क्या कर रहे हो जुरेज क्या कर रहे हो उसको छोड़ दे उतार दे अच्छा तो आप लोगों ने ये बताना है कि जब आप लोग छोटे होते थे ओए ओए जुरेज ना हो ना तो ऐसे चार पाइयों पे तू चढ़ता था दो को नहीं उठा सकती मम्मा देख लो ये आप चिपके पड़े हैं जी चार पाइयों पे चलो उतरो भाई चाय का दूध भी उबल गया भाई इसमें अब क्या डालना है पहले पत्ती डालनी चीनी डालनी है पत्ती अच्छा तो पत्ती चाय की पत्ती डाल दी है इसके अंदर ये देखें जी
अंडे भी तैयार हो गए हैं। मैं आप फ्राई खाता हूँ और ये सुरेश का हो गया, फ्राइड हो गया, फिर लिए अच्छा चाय उबल रही है। चाय गिर गई, अच्छा बच गई, थोड़ी सी गिरी है। तो ये होता है अक्सर मेरे से, मैं इस तरह मैं हिलाता हूँ तो ये गिर जाती है, हर बार गिरती है। तो इसमें चीनी डालो, ये 3 कप 3 चम्मच डालो। हाँ 3 कप और 3 चम्मच चीनी, जिसने ज्यादा पीनी है वो बाद में डाल देगा। ये हमारा शहजादा, देखें जी आप, देखें जी आपके बच्चे ऐसे करते हैं, इतने बड़े बच्चे, इसके हालात देखें, जूता नहीं है इसका, या सुरेश जूता पहन के शाबाश। आपके दो घंटे देंगे, उठ जा। देखें वो छोटा फिर भी जूता पहन के देता है, इस बड़े का इतना जूता है। ये दही है ना, हाँ। ये इस मग में बेगम से दही बनाती हैं, ये स्टील का मग है ना, इसलिए इसमें बनाती हूँ, सही जम जाती है। अब कुछ बचे? नहीं कुछ नहीं, हाँ। ये नहीं खाएंगी, खुद नहीं खाएंगी, वैसे खाती नहीं है ये खुद ना, दही कम खाती है। चाय ले लेती हूँ, अंडा ले लेती हूँ, साथ जरा चीनी ज्यादा डाल के, तो मैं इनके लिए चीनी डालती हूँ। मेरे में तो ना डालना, बिल्कुल भी ना डालो, मैं बाद में डालूंगा। अब मैं ये फ्रीजर में रख देती हूँ, ये और ठंडी हो जाएगी। अब मौसम नहीं है, आप कहा था इसमें वो चक्की का आटा मिक्स करवा दो, वो भी मिल नहीं रहा है। असल में ना हमारा जो आटा होता है ना, वो हम कुछ बाजार वाला फाइन आटा लेते हैं और कुछ हमारा अपना जो होता है, तो आजकल गंदम करीब थी तो वो अपने वाला आटा हमारा खत्म हो गया था, तो हम बाजार पे गुजारा कर रहे हैं। वो ना चिपकता है बहुत, तो ये जरा मैं थोड़ा सा मजा कम देता, मिक्स करके हम खाते हैं, फिर रोटी सही बनती है, घर का और बाजार का मिक्स करके। ये क्या बना? पेड़ा। पहले क्या उठाया था? आटा। पहले से पेड़ा नहीं उठाते, ठीक है ना, पहले आटा उठाते हैं फिर पेड़ा उठाते हैं, पेड़ा बनाते हैं। अच्छा पेड़ा बनाते हैं। स्टार बोती थी तो ये जनाब मेरा पराठा आ गया, तो ये दही भी आ गई है। जब लस्सी लेनी हो तो बताना, बाय बाय कर दो, नाश्ता कर लो। तो जनाब मैं ये नाश्ता, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये नाश्ता व्लॉग पसंद आएगा। तो आज मैं दूसरे अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वीडियो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लेना, और मुझे इसकी समझ भी नहीं आ रही, मैंने इधर लेंस की तरफ देखना या इधर देखना, मुझे ये भी नहीं सही आ गया आ रहा, तो इसके लिए माजरत। तो बस ऐसे रूटीन में सुबह सुबह उठे तो हमने कहा शेयर कर दें, बस ये नाश्ता मेरा रेडी हो गया, अब ठंडा हो रहा है। तो अच्छा तो अब हम नाश्ता कर लेते हैं, आप ये नाश्ता करें, इंजॉय करें, और हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। ये अभी नाश्ता